क्या भगवान कल्कि का जन्म हो चुका है? इसके जनरली 3 आर्ग्यूमेंट्स है, आइए इसको समझते हैं। अकॉर्डिंग टू कल्कि पुराण, कल्कि भगवान का जन्म तब होगा जब सन और मून एक स्पेसिफिक नक्षत्र में होंगे, जिसे धनिष्ठ नक्षत्र कहते हैं। और आप जानकर ये शॉक हो जाओगे कि 2012 में ये सारे एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हो चुके हैं। वहीं सेकंड आर्ग्यूमेंट हमें ये बताती है कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब अर्थ पूरे डार्कनेस से भर जाएगी, 3 सबसे बड़े रिवर्स गंगा, यमुना और सरस्वती स्वर्ग में चली जाएंगे, लॉजिकली ड्राई हो जाएंगी, तब उनका जन्म होगा। लेकिन अब तक ये रिवर्स सिर्फ पॉल्यूट हुई है, सूखी नहीं है, बट सूख रही है। एंड सबसे लॉजिकल आर्ग्यूमेंट मुझे लगता है थर्ड वाला, जिसके बेसिस पर हमारे वेदों में एक कॉन्सेप्ट है अहम ब्रह्मास्मि का। इसका मतलब है कि गॉड हम में ही है, यानी कल्कि कोई एंटिटी नहीं है, वो एक सोच है। मतलब हो सकता है कि कल्कि भगवान की सारी पावर्स एक इंसान में ही हो। इट मेक्स सेंस, क्योंकि भगवान श्री राम ने भी ऐसे ह्यूमन ही जन्म लिया था, और भगवान कृष्ण ने भी। दिस इज सो इंटरेस्टिंग। अभी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन अगर शेयर नहीं करोगे तो मुझे पता है तुम क्या शेयर करोगे।